अल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लास्ट एक्सरसाइज लॉगरिथम की 1.4, इसको सॉल्व करेंगे। और ये इसमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इस एक्सरसाइज में कोई नई चीज़ नहीं है सिंपलीफिकेशन के अलावा। और सिंपलीफिकेशन हम 2 चैप्टर में भी कर चुके हैं, 1 चैप्टर में भी सिंपलीफिकेशन का हम जो है इसको सिंपलीफिकेशन का तरीका मेथड अप्लाई किया। यहाँ सिर्फ क्या चीज़ है, नहीं सिंपलीफिकेशन है। करैक्टरिस्टिक मंटीसा किसे कहते हैं, करैक्टरिस्टिक किसे कहते हैं, लॉगरिथम कैसे फाइंड किया जाता है। नेगेटिव वैल्यू हो तो उसका लॉगरिथम, उसका एंटी लॉगरिथम कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसमें और लॉज भी आपने सीखे ना, क्या कहता है लॉग मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट करता है, प्लस में, और डिवाइड को माइनस में, पावर को पहले ले आता है, पावर को यानी कि ऊपर पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये नीचे लॉग से पहले आ जाती है। तो यहाँ पे देखें ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। पहला स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे बच्चों स्टेटमेंट, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन में एक्स नहीं है, क्वेश्चन में क्या है सिर्फ ये जस्ट वैल्यू। तो पहला स्टेप क्या है, लेट करना है। दूसरा स्टेप क्या है, लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑफ बोथ साइड। बच्चा कह रहा है मल्टीप्लाई नहीं करना। बच्चों ये अगर इसको मल्टीप्लाई किया ना, ये तो फिर 5 क्लास का सवाल हो जाएगा, 5 और 6 क्लास का, समझ आ गई। देखें ना आपने क्वेश्चन चलो पूछ लिया, अच्छा किया आप। अगर आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये कौन सी क्लास का सवाल हुआ, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे फिर भी आंसर वही आएगा जो लॉगरिथम से आएगा, मगर हमने इसको लॉगरिथम से सॉल्व करना है। डायरेक्ट करेंगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। आप कहें बहुत आसान आ गया, 4 नंबर का सवाल आता है बोर्ड में, ये तो 4 नंबर के आपको इसी में दे देंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करें आगे आंसर लिखें, ऐसे नहीं आएगा। आपको इसके कितने स्टेप, 4 स्टेप करने होंगे कम से कम, हर स्टेप का 1 नंबर है। तो आइए चलते हैं, हम इसको लॉगरिथम से सॉल्व करेंगे। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर होगा वो लॉगरिथम से भी वही आंसर होगा। अब यहाँ प्रॉपर्टी यूज करें लॉ की, ला 8176 इनको अब इनका लॉग लें, कैलकुलेटर यूज करें बच्चों। एक बच्चा आप बोलें, क्या बोलें, माइनस 0.08, बस इतनी वैल्यू आ रही है। आगे 4 के आगे क्या है, 4, ये जस्ट देखें आगे प्लस लॉग 5 1.1 3 4। बच्चों ये आप लॉगरिथम टेबल से भी फाइंड कर सकते थे ना। आप देखें यहाँ पे आपने पॉइंट यहाँ लाना था, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या थी, करैक्टरिस्टिक इसकी क्या बन रही है, -1, और इधर क्या वैल्यू आ रही है, 0 0 आ रही है ना। अब आपने क्या करना है, +1 -1। मैं मगर इसको डायरेक्ट करने लगा हूँ कैलकुलेटर से, अभी फ़िलहाल आप वो स्टेप ना करें, वो स्टेप आप कर भी सकते हैं अगर कोई बच्चा स्टेप करना चाहता है। देखिए मैंने बताया इसकी करैक्टरिस्टिक क्या बननी चाहिए थी, -1, तो ये 0 आ रही है, इसमें क्या करें, +1 और -1। जिस तरह आपने पिछली एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट सीखा था, फिलहाल आप इसको रहने दें, आप इसी तरह लिखें और अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, आंसर डायरेक्ट भी आ जाएगा वो अगर आप ना भी करें। 1.04474 के आगे वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एंटी लॉग लेंगे। लास्ट स्टेप क्या है, एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग। बच्चों अगर ये करैक्टरिस्टिक माइनस होती तो फिर एंटी लॉग किसका लेते, सिर्फ मंटीसे का लेते, तो ये इसका कैंसिल और इसका एंटी लॉग क्या आ जाएगा, आंसर 11.15। देखें इसको मल्टीप्लाई करें, यही आंसर है, या बुक से देख लें या इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर यही है। बच्चों देखें अगर आप उस तरह करते ना, प्लस माइनस क्या करते, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, तो फिर भी आंसर यही आना था। तो इसको मैंने डायरेक्ट जो है इसको सॉल्व किया, ये इसका आंसर है। इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे,
वन ओवर थ्री। आप इसमें लॉज इस्तेमाल करें, वन ओवर थ्री पावर पहले लॉग 0.7214 प्लस माइनस 60 पॉइंट वैल्यू। बच्चों एक बच्चा लिखवाए इसका लॉग क्या है, माइनस 0.1418। नेक्स्ट वैल्यू 1.3090। नेक्स्ट 1.7 3 9। अब इसको सॉल्व कैसे करना देखें, आप माइनस लिखें पहले कैलकुलेटर में, माइनस फिर ये वैल्यू, फिर प्लस ये वैल्यू, फिर माइनस ये वैल्यू। कैलकुलेटर में माइनस लिखें पहले, फिर वैल्यू, फिर प्लस ये वैल्यू, माइनस फिर ये वैल्यू, फिर सॉल्व हो जाएगी। माइनस 17 पॉइंट नहीं आ रहा इसमें, ये कैसे कर रहे हैं, गलत किया, पॉइंट आना चाहिए एक डिजिट के बाद, सो गलत सॉल्व किया, एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, क्या आता है, वन माइनस आता है ना पहले, माइनस 1.41। बस इतनी वैल्यू आ रही है, हैं दो बार पॉइंट तो नहीं ना होंगे, कॉमे आगे वो पॉइंट नहीं होता, कॉमे के आगे क्या वैल्यू, चार डिजिट तो होने चाहिए ना पॉइंट के बाद। बच्चों कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल सा जमा माइनस, माइनस इसको डिवाइड करें, नहीं आगे मैं ये आंसर लिख रहा हूँ, थ्री से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, माइनस 0.220 56। अब देखिए इसमें हम हमारे पास वैल्यू आ गई लॉग एक्स की माइनस 25। इसमें प्लस वन और माइनस वन, ये करें इसको सॉल्व, ये माइनस वन को वन लिखें और इसमें से ये माइनस करें। बताया था ना बेटा ये कैसे क्या करते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए, ये करें इसमें प्लस वन करें, आप करें क्या था 0.794। ये वाली इसमें, इसमें से ये माइनस करें ना, वन में से ये वैल्यू माइनस करें 0.7944 और ये माइनस वन, ये आ गया करेक्टरिस्टिक बन जाएगी 7944। अब इसका एंटी लॉग लें, ये वाली वैल्यू छोड़ के सिर्फ इसका एंटी लॉग लें, 0.7944 लिखें। एंटी लॉग कैसे है, पहले शिफ्ट फिर लॉग फिर 0.7944 वैल्यू, ठहरे आप वैल्यू लिखवाएं क्या थी, 6.29। अब देखें इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, माइनस वन करेक्टरिस्टिक है माइनस वन, तो पॉइंट किधर मूव करेगा, ये आएगा 6 2 आगे ये 3 लिख लें, यही आंसर आंसर बुक में, बस ठीक है नो प्रॉब्लम उसका, नहीं ये आंसर है। अब देख ले बच्चों इसका लास्ट है, बाकी जो पार्ट्स मैंने छोड़े वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसका आप लॉग ले लें,
प्रॉपर्टी लगाएं इसकी 83 प्लस 1/3 92 माइनस 127। ये माइनस लिखेंगे, ये देखें ये नीचे अगर लॉग लेते तो ये दोनों प्लस होते हैं ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, ये माइनस 1/5 2, 4, 6। अब इसकी वैल्यू लिखवाएं 83 लॉग 83 देखें दानिश फूट देखें, एक बच्चा से दानिश बोले हैं 1.919 आगे नहीं है कोई डिजिट 1। नेक्स्ट 92 लॉग 92 1.9638। नेक्स्ट वैल्यू 127 लॉग 127 की 2.1038। नेक्स्ट वैल्यू जी लॉग 246 2.3909। अब इसको डिवाइड करें 3 से, इसको 0.6546। नेक्स्ट 5 से डिवाइड करें 2.3909 को 5 से 0.4 7 8 1 को 2 कर लें। अब इनको सॉल्व करें, सारी पूरी इस स्टेटमेंट को करें, प्लस जो माइनस आता है उसके साथ माइनस लगाएं, दो तीन बच्चे करें इसको, आप भी करें देखें, इसको चेक करें। माइनस नहीं ना आना चाहिए, माइनस आ रहा, क्या आ रही है वैल्यू, -8 10 की पावर में आ रहा है। इसको लिखने का तरीका ये देखें, ये आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, माइनस 0.2083 इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 10 की पावर 3 का मतलब है पॉइंट जो है आगे 3 डिजिट ये आगे मूव करेगा, ये लें आगे सॉल्व करवाएं। आगे इसमें क्या करना है, प्लस करना है और माइनस करना है, इसमें प्लस 1 और माइनस 1, 1 में से ये वाली माइनस करें, 1 लिखें और माइनस ये करें, हाँ प्लस पहले लिखें माइनस ये लिखें, प्लस लिखे ना 7 माइनस ये लिखे, क्या आता है 0.99 और ये इधर आ जाएगी करेक्टरिस्टिक। इसका एंटी लॉग लें, एंटी लॉग बोथ साइड, लॉग लॉग एंटी लॉग से कैंसिल होगा, क्या आता है 9.9। आगे 1 से आगे क्या है, 1 ऐसे 1 लिख लें। करेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, माइनस 1 तो पॉइंट मूव करेगा इधर, हाँ ये है ना करैक्टरिस्टिक, देखें आंसर इसका, बच्चों ये वाला लास्ट पार्ट ये उस वीडियो पे नहीं आया,
एंटी लॉग जब लिया गया है तो एंटी लॉग लेंगे, लॉग लॉग से कैंसिल, ये जो सेवन पार्ट था उसका रिमेनिंग जो पार्ट्स में रहता था बकाया हिस्सा वो मैंने किया है। एंटी लॉग लिया, इसको एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है, माइनस वाली वैल्यू छोड़ेंगे आप, प्रेस करेंगे शिफ्ट फिर लॉग दबाएंगे, उसके बाद 0.9917 लिखेंगे और इसका आंसर आएगा 9.811। तो इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, माइनस वन, तो पॉइंट मूव करेगा किस साइड पर, लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट पे कितना एक करेक्टरिस्टिक वन है तो वन पॉइंट डिजिट इस तरह मूव करेगा, तो फाइनल आंसर होगा 0.981। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू की वैल्यू है रिलेशन पी वी की पावर एन इज इक्वल टू सी, और आप बुक पे देखें, बुक को ओपन करें तो आपको पी की वैल्यू उन्होंने गिवन दी है 80 और वी की क्या है 3.1 और एन की और सी फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे सी, तो इसमें हम वो साइड लॉग लेंगे, यह आ जाएगा लॉग 80 प्लस लॉग 3.15 ओवर 5 ओवर क्या है 4, मज़ीद इसको एक्सपेंड करें बच्चों, ये आपके पास क्या आ जाएगा लॉग सी, तो आगे से वही मेथड होगा, आपने लॉग 80 कैलकुलेटर से फिर लॉग 3.1 वैल्यू फाइंड करनी है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को और 4 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे फिर एंटी लॉग लेंगे तो ये सी का आंसर आ जाएगा, क्योंकि सी फाइंड करना था तो सी की वैल्यू तब लिखेगी जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। नेक्स्ट टू योर सेल्फ, थ्री पार्ट है इसका, v इज इक्वल टू 90, 5, q की वैल्यू 10 है, इसमें देखें प्राइस कितने रुपीज़ हैं 18, 90 और मालूम हमने कौन सी वैल्यू करनी है, हाउ मैनी यूनिट्स, q फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है इसमें, q फाइंड करना है, ये मैं कंप्लीट सॉल्व करूंगा, कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर पकड़ लें इसको करें इसकी। अब लेंगे बोथ साइड लॉग, लॉग 80 लॉग 80 की वैल्यू 1.903, पहले इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं बच्चों, देख लें इसको, लॉग 90 फिर प्लस लॉग 5 की पावर माइनस क्यू ओवर 10, अब लिख लेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्यू की 10, अब वैल्यू बच्चों लिखें लॉग 18 1.2 3, इसकी लॉग 90 1.9542, नेक्स्ट अब देखें लॉग 5 की जो वैल्यू आ रही है उसको 10 से डिवाइड भी कर दें, 10 से डिवाइड और क्यू साथ रहेगा, क्यू फाइंड करेंगे, लॉग 5 10 0.069999 है, तो इसमें आप ऐड कर लेना आगे 9, ये 0 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, इसका भी क्या लग जाएगा, 0.06989 मुझे राउंड ऑफ करके लिखवाएं क्या आता है, 0.06969, ये राउंड ऑफ करके लिखा लिखवाएगा। अब देखें क्यू हमने फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू को इस तरफ ले आए और ये वाली वैल्यू इस तरफ ले आए, माइनस करें इसको, इसको माइनस करें, ये वैल्यू प्लस हो तो जाके माइनस हो जाएगी, क्या आंसर आएगा, माइनस करें 1.9542 में से माइनस 1.2553,
क्या आता है? 0.6 अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, 6 के बाद 9 अब इसको डिवाइड कर लें, ये क्यू की वैल्यू क्यू निकालना ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, क्या आ जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, क्या आता है आगे क्यू का आंसर? 9.99। तो उसको 10 कर लें, 9 में राउंड ऑफ करके पीछे आंसर क्या है? 10 है, ठीक है, इसको 10 कर लें, 9.9 आ रहा है ना, तो पॉइंट से आगे 9 है तो एक इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। पॉइंट को नहीं, बुक में 10 है, आप 9.9 भी लिख सकते हैं ना, आंसर तो ठीक है, वही 10 नहीं है, 10 के करीब है। आगे वैल्यू है 3, 4 देखे इसके बच्चों, मैं हिंट दूंगा, ये a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, और a की वैल्यू a फाइंड करेंगे, पाई की 22/7, पाई की वैल्यू क्या थी? 22/7, और r 15 लॉग लेंगे, नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉग आ जाएगा 22/7/15, ये क्या हो जाएगा? लॉग 22, आगे क्या आएगी वैल्यू बच्चों? लॉग 7 प्लस 2 भी साथ लगा लें, 2 लॉग नेक्स्ट टू योर सेल्फ, क्या ये देखें 22 लॉग 22, ये नीचे है तो क्या लॉग 7 और ये प्लस आएगा, ये क्या आएगी वैल्यू? और पावर पेन है लॉग 15। लास्ट इसकी रिलेशन ऑफ वी पाई आर स्क्वेयर एच, वी इसमें फाइंड करेंगे 22/7, आर की वैल्यू 2.5, देखें वैल्यू ठीक है बच्चों, एच की वैल्यू 4.2, लॉग लेंगे, ये क्या आ जाएगी? लॉग 1, लॉग 1 माइनस लॉग 3, 1/3 नहीं, ये नीचे वाले 3 लिख लेंगे, फिर प्लस लॉग 22 माइनस लॉग 7, फिर ये वाला प्लस, हाँ पहले क्या आ जाएगा पावर, पहले लॉग 2.5 प्लस लॉग 4.2, नेक्स्ट 2। तो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।